लीजिए चाय। इसकी जरूरत भी थी। सुनो, आपकी राहुल से बात हुई थी, कब आने वाले हैं लड़की वाले? भाई तुम्हारा लड़का है, अगर तुमको नहीं मालूम तो मुझे कहाँ से पता होगा। चलिए आने दीजिए, ऑफिस से पूछती हूँ। जी शर्मा जी। क्या हाल है गुप्ता जी, क्या हो रहा है? एकदम बढ़िया, वह चाय पी रहा था। और बताएं, सुना बेटे की शादी कर रहे हैं? हाँ भाई कर तो रहे हैं। क्या बात है गुप्ता जी, आवाज में गर्म जोशी नहीं है, बेटा लव मैरिज कर रहा है क्या? बिल्कुल सही पकड़े हैं शर्मा जी, लव मैरिज ही कर रहा है। आजकल के बच्चे कहाँ माँ बाप की मर्जी से शादी करते हैं गुप्ता जी। बिल्कुल सही कहा, बस घर आके फरमान सुना देते हैं कि हमें इससे शादी करनी है, फिर माँ बाप की मर्जी हो चाहे ना हो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मेरे बेटे को ही देखिए, एक दिन आया घर और कहता है पापा शादी करनी है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। अब तो ऐसे ही होगा शर्मा जी, हम माँ बाप तो बस मूक दर्शक बन के रह जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बताएं, कुछ लेन देन की बात हुई या नहीं? लेन देन? अरे शर्मा जी लव मैरिज में कहाँ लेन देन, बस लड़की मिल रही है वही बहुत है। फिर गुप्ता जी इस मामले में आप मात खा गए। क्या मतलब? भाई भले ही मेरे बेटे ने लव मैरिज की हो गुप्ता जी, पर लेन देन की बात हुई और मिली भी। क्या बात कर रहे हो जी, मैंने तो अपने बेटे को कह दिया था कि भले ही तू लव मैरिज कर रहा है पर मैं लेन देन की बात करूंगा। अरे भाई समाज में इज्जत वाली बात है गुप्ता जी। अच्छा भाई, कल होकर के समाज में लोग पूछेंगे कि बेटे को कितना मिला, तो क्या जवाब दोगे गुप्ता जी? क्या कहोगे, फ्री में शादी की है? अरे कैश गाड़ी तो आजकल चपरासी तक को मिलने लगे हैं। आपका बेटा तो सीए है, सीए। बाकी आप समझदार आदमी हैं गुप्ता जी, देखिए चीजों को अपने तरीके से हैंडल कीजिए, हाथ से निकलने मत दीजिए चीजों को। चलिए मैं रखता हूँ, ठीक है? ठीक है शर्मा जी। क्या हुआ, टेंशन में क्यों? शर्मा जी के यहाँ सब ठीक तो है? शर्मा जी के यहाँ तो सब ठीक है, पर हमारे यहाँ ठीक नहीं है। अपने यहाँ क्या हुआ? राहुल की शादी। हाँ तो उसमें क्या? अरे शर्मा जी बता रहे थे कि उनके लड़के ने भी लव मैरिज की है, उनको दहेज मिला। हाँ तो? तो भाई हमारे लड़के में क्या कमी है, हमारे लड़के को भी दहेज मिलना चाहिए। शर्मा जी के बेटे को दहेज मिला है तो हमारे बेटे को मिलना चाहिए, ये जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, ये समाज की प्रथा है दहेज देना, और लेन देन से ही तो व्यवहार बनता है। तो उस दिन क्या हुआ था आपको, जब रश्मि के घर वाले आए थे, तब तो बड़े कूल डैड बन रहे थे कि जी जैसा आप करेंगे वैसा ही ठीक होगा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, हम आंखें खुल गई? क्या बात है, शाम की चाय चल रही है? अभी लाती हूँ। क्या बात है, पापा इतने गुस्से में क्यों हैं? तुमने कुछ कहा इनसे? मैं कुछ कह सकती हूँ क्या भला? क्या बात है पापा, एनीथिंग सीरियस? रश्मि घर वाले कब आ रहे हो? संडे को। तुमने उन्हें सब बता दिया ना? सब बता दिया मतलब? मतलब हमारे घर के बारे में, खानदान के बारे में। पापा रश्मि को तो सब पहले से ही पता है, उसको बताऊंगा क्या? चलो फिर ठीक है, मतलब उनसे लेन देन की बात नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद से दे देंगे ना। लेन देन मतलब पापा? रश्मि के पापा जो देंगे रश्मि को देंगे, उसे हमें क्या मतलब, और जो करेंगे बढ़िया करेंगे। अरे बेवकूफ, हर बाप करता है अपनी बेटी के लिए अच्छा ही करता है। मैंने नहीं किया था तेरी बहन के लिए, पर एक तरीका होता है, मैं उस तरीके की बात कर रहा हूं। अब आपकी सुई कहां अटकी हुई है, जरा खुलकर बताएंगे? कैश, कैश की बात कर रहा हूं मैं। कैश में कितना देंगे? मैंने दिया था ना तेरी बहन के शादी में। पापा आपने अपने अकॉर्डिंग दिया था दीदी को, रश्मि के पापा अपने अकॉर्डिंग देंगे, और आप निश्चिंत रहिए जो करेंगे बढ़िया करेंगे वो। अरे ऐसे नहीं चलती रिश्तेदारी, कि जो अपने मन से दिया वो हो गया,
समाज के कायदे के अनुसार चलती है रिश्तेदारी। हमारी समाज में इज्जत है। अब लोग पूछेंगे कि लड़के को कितना चढ़ा, तो क्या जवाब देंगे हम? हमारी समाज में इज्जत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ बेटा। पापा आप किस समाज की बात कर रहे हैं? जब आप दीदी की शादी करने के लिए निकले थे तो इस समाज से एक रुपए की मदद भी किसी ने की थी? जो आप समाज की बात कर रहे हैं। और रही बात रश्मि के घर वालों की, तो मैं बता दूं वो दहेज वहेज में नहीं मांगते, बहुत एडवांस सोच के हैं वो लोग। तो हम क्या पिछड़ी भी सोच के हैं? एडवांस सोच क्या होता है भाई? देख बेटा, तू लव मैरिज कर रहा है, अपनी मर्जी से शादी कर रहा है ना, हमने कुछ बोला नहीं। लेकिन शादी एक समाज के कायदे के अनुसार होती है, तो शादी तो उसी तरीके से होगी। अरे भाई तू कितना काबिल है, कितनी अच्छी नौकरी है तेरी, हमारा नोएडा में कितना बड़ा घर है, दो दो गाड़ियां हैं हमारे पास। अभी मार्केट में जाऊं ना, 51 लाख रुपए कहीं नहीं गए, 21 तो मिल ही जाएंगे, इतना तो रेट है। अब तू बता रश्मि के बाप को कितना बोलूं? जितना तू कहेगा उतना ही बोल दूंगा। अब तू बता दे सोच के। पापा अभी जो आपने कहा ना कि मैं इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ, इतना बढ़िया पैकेज है मेरा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ उसी कंपनी में रश्मि भी जॉब करती है। जितना पैकेज मेरा है ना उतना ही पैकेज रश्मि का भी है, जो कि शादी के बाद इसी घर में आएगा। और रही बात रश्मि के पापा से दहेज की बात करने की, तो ना मैं उनसे कुछ कहूँगा और मैं चाहूंगा कि आप भी उनसे कुछ ना कहें। बेटा ऐसे शादी नहीं होती। पापा प्लीज प्लीज, अगर आपको लगता है कि रश्मि के पापा दहेज नहीं देंगे तो समाज में आपकी नाक कट जाएगी, तो ठीक है मैं रश्मि को मना कर देता हूं, वो लोग संडे को नहीं आएंगे, क्योंकि ना मैं उनको दहेज के लिए बोल पाऊंगा और ना आपको नाराज कर पाऊंगा। आपकी मर्जी होगी तो ही शादी करूंगा, वो भी बिना दहेज लिए हुए, वरना नहीं करूंगा। हाँ पापा, अगर मेरी शादी रश्मि से नहीं हुई तो मैं किसी और से भी नहीं करूंगा। मिल गया चैन आपको? बिना चीजें खराब किए आपको चैन नहीं मिलता ना? अरे ये शर्मा जी की बात पर आकर आप सारी चीजें बर्बाद करने में लग गए। कौन है ये शर्मा जी और किस समाज की बात कर रहे हैं आप? जब हमने लाली की शादी की थी तब 1 रुपए की भी कोई मदद करने आया था आपके समाज से? या जब आपका बिजनेस में लॉस चल रहा था तब कोई था समाज का हमारे साथ खड़ा? नहीं ना, क्या ये आपके शर्मा जी खड़े थे? ये हमारा बेटा ही था जो उस वक्त भी हमारे साथ था जब लाली की शादी हुई थी और जब आपका बिजनेस में लॉस चल रहा था ना, वही हमारे साथ खड़ा था। अरे जब ये मुसीबत के समय जब समाज खड़ा ही नहीं होता है, जब समाज का कोई इंसान हमारे मदद के लिए ही नहीं है, तो क्यों चिंता करनी है समाज की कि समाज के लोग क्या कहेंगे? अरे कहने दीजिए जो भी कहेंगे, क्या करना है हमें उससे? हमें समाज के साथ रहना है या अपने बेटे के? इतनी अच्छी लड़की मिली है, इतना बढ़िया परिवार मिला है, इस दहेज के चक्कर में इतनी अच्छी लड़की हाथ से चली जाएगी? क्या है ये दहेज? कुछ कैश, पैसे, बेड, फ्रिज, सोफा, ये ही सब ना? क्या ये सब हमारे घर में नहीं है? और चलिए अगर नहीं भी हो तो हमने अपने बेटे को इतना काबिल नहीं बनाया है कि वो ये सब हमें ला के दे पाए, या हम किसी और से मांगे या लें? क्या हुआ, बोलिए कुछ। अरे भाग्यवान, तू चुप होगी तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा ना। चुप हो गई मैं, अब बोलिए। अरे भैया
शर्मा जी की बातों में आकर पता नहीं मैं क्या क्या भूल गया। मुझे क्या पता था तुम माँ बेटे दोनों के दोनों हुक्का पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ जाओगे। नहीं चाहिए दहेज, लड़की मिल रही है उतना बहुत है। बेटे की खुशी सबसे ऊपर, मेरी खुशी गई पहाड़ में। अब तुम बोलो राहुल को कि वो रश्मि के माँ बाप को बुलाए और आगे की बातचीत करें। नहीं चाहिए दहेज। राहुल, राहुल बेटा। दहेज भाई, ये औरतें कितना बोलती हैं, चुप ही नहीं होती। पर वैसे मुझे ये बात समझ में आ गई कि दहेज लेना और देना दोनों गलत है। आपको समझ आ गई ना?